गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडिया फीलिंग एंड स्टडी वितराज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बिना देरी किए हुए अपना वीडियो शुरू करता हूँ। तो किसी तत्व या यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, तो हमारा पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसे हम x मान लेंगे और अगर इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 के कर देंगे। जैसे N2 में इस पर कोई आवेश नहीं है इसलिए बराबर 0 के कर दिए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन दो बार है, यहाँ 2 से गुणा कर दिए हैं और 2 x बराबर 0 x बराबर 0, क्योंकि 2 का जो 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार P4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, तो फास्फोरस 4 बार है इसलिए 4 का गुणा कर दिए हैं x में और बराबर 0 के कर दिए हैं, क्योंकि इस पर भी कोई आवेश नहीं है तो इसलिए x बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अगर आप परमाणु क्रमांक नहीं जानते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं हल कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं या एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। तो देखिए, तो नाइट्रोजन दो बार है इसलिए 2 का गुणा कर दिए एक में, तो अब फिर प्लस इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो दो बार है सल्फर इसलिए 2 का गुणा कर दिए तो 2x हो गया है। अब इसी तरह प्लस और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखिए दोस्तों 8 होता है, ये बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इस पर -2 आवेश है, -2 है, तब ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसलिए ऑक्सीजन 3 बार इसलिए इसमें 2 का गुणा कर दें -2 का, तो ये -2 आ जाएगा। तो 2 प्लस, अब देखिए इसको बराबर 0 के कर देंगे क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों, 2 प्लस 2x और 3 दुनाई -6 हो जाएगा, और इसमें से -6 में से 4 घटा देंगे तो -4 आ जाएगा, तो 2x बराबर उसको उधर कर पक्षांतर कर देंगे तो 4 प्लस 4 आ जाएगा, तो x बराबर +2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसी तरह अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों देखिए, इसमें -2 आवेश है इसलिए बराबर -2 के कर दिए, तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो उसे हम x मान लेते हैं। देखिए, क्रोमियम दो बार है इसलिए 2x और फिर प्लस कर देंगे, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, इसे -2 से गुणा कर देंगे और बराबर 2 कर देंगे, -2 कर देंगे, तो 2x -14 = -2, तो ये पक्षांतर हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2x = 12 हो जाएगा और x = +6 आ जाएगा। अब देखिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, Cr5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, हम आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। किसी तत्व या यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है Cr5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए पहले हम इसकी संरचना देखेंगे। जैसे देखिए Cr5 यही है, और देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और इधर एक एक हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच
एक बंध बन रहा है जिसे पराक्साइड बंध कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है जहाँ पर पराक्साइड बंध बनता है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए जैसे यक्स क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, इसे यक्स मान लिए हैं और चार चार ऑक्सीजन परमाणु पर पराक्साइड बंध बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जिसमें यक्स और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, उसे एक्स मान लिए, और प्लस क्योंकि पराक्साइड बंध बन रहा है तो इस पराक्साइड जहाँ पर पराक्साइड बंध बनता है वहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 4 × -1 कर दिए हैं और इसके बाद एक एक और जो एक का गुणा 2 − 2 से कर देंगे क्योंकि यहाँ पर पराक्साइड बंध नहीं बन रहा है, और बराबर 0 के कर देंगे। तो अब इसको सरल कर लेंगे तो यक्स -4 −2 = 0, तो यक्स बराबर +6 आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तो H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो हम इसका पहले संरचना देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, और जहाँ पर पराक्साइड बंध है वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसे ये है और ये है, ये है और ये है, सॉरी दोस्तों, जहाँ पर ऑक्सीकरण पराक्साइड बंध बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, वहीं पर ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो देखिए, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो 2 × 1, और सल्फर को यक्स मान लेंगे क्योंकि सल्फर 2 बार है इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 × 2 − 2, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बार है, 6 बार है जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -2 है। पराक्साइड बंध वहाँ पर बनता है जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो। देखिए दोस्तों, जहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, तो इसलिए हम 2 − 2 का गुणा कर दिए हैं और प्लस, फिर प्लस, अब यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डब पराक्साइड बंध बन रहा है इसलिए यहाँ पर -1 का गुणा किए हैं और बराबर 0 के कर दिए हैं। तो देखिए अब इसको सरल कर लिए, 2 + 2x − 12 − 2 = 0 के, तो यक्स 2x = 12 और x = +6। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।